हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई हो आप लोग अच्छी होंगी, मस्त होंगी, स्वस्थ होंगी और अपना अपना काम में व्यस्त होंगी। तो चलते हैं गाइस, आज के दिन पूरे दिन के ब्लॉग रख रहे हैं और अभी टाइम 1:20 बाकी है गाइस। तो अभी हम ब्लॉग स्टार्ट किए हैं, तो चलते हैं गाइस, हम क्या क्या करते हैं तो आप लोग बनी रहेगा ब्लॉग में। देखिए गाइस, कल हम मंडी गए हैं तो चोरिया साग लाए हैं, तो इसके चलते हैं साफ करने के लिए और बनी रहेगा ब्लॉग में कैसे बनाते हैं चोरिया के साग, तो हम आप लोग देखेंगे। चलते पहले इसके साफ करते हैं और इसके भी हम पकौड़ी भी बनाएंगे, ठीक है? आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। साफ करके फिर बनाते हैं। मंडी में एक ही सब्जी सस्ती है और उसके बाद सब्जी सब महंगा। टमाटर तो 120 रुपये किलो कल टमाटर नहीं लिए हैं और अभी सब्जी काम चला रहे हैं इमली से, इतनी महंगा हो गई। गर्मी पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, भी इतनी दिन से इतना गर्मी पड़ रहा है कि बारिश नहीं हो रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी करके सब्जी भी महंगा हो गई। कोई भी सब्जी 100 रुपये से नीचे कोई सब्जी भी नहीं है और एक ही सब्जी के लिए सस्ती है 10% किलो। ये 10 रुपये मुठा दिए थे बताइए, और कोई भी सब्जी सस्ती नहीं, जो कि यहाँ पे कोई भी पूछता ही नहीं, बोलता गाय खाता है, तो जो बिहारी है वही जानते हैं कि साग है। यहाँ पे बहुत सारा रहते हैं तो बोलता गाय खाने वाला है, राजस्थान में नहीं जानते कि साग, लेकिन हाँ अपन इलाका के जो है वही जानते हैं कि चोरिया साग है। चलिए गाइस, बनी रहेगा ब्लॉग में और हम फटाफट साफ करके आज हम क्या क्या सब्जी बना रहे हैं आप लोग बनी रहेगा। आज पूरे दिन के ब्लॉग है, कल ही ब्लॉग डालेंगे, ठीक है? साफ कर लिए हैं चोरिया साग, देखिए हम देखिए चोरिया साग साफ कर लिए हैं और इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करके पकौड़ी बनाएंगे। देखिए थोड़ी सी साग के हम कट करके पकौड़ी बनाएंगे, पत्ते पत्ते के लिए हैं, छोटे छोटे कट कर लिए हैं। आज के पूरे दिन के ब्लॉग है, हम क्या क्या बना रहे हैं आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा।
देखिए गाइस छोटे छोटे कट कर लिए हैं और इसके हम बेसन में पकौड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो कल हम सब्जी लाए हैं कटहर, तो गाइस इसलिए इसके भी बना के सब्जी रख देंगे, पक जाते हैं गर्मी से तो सब्जी अच्छी नहीं लगते हैं, तो इसको भी हम चलते हैं अभी बनाने के लिए। पूरे साफ कर लिए हैं सब्जी उब्जी, फिर देखिए पक जाते हैं ना तो सब्जी अच्छी नहीं लगते हैं गैस, तो ये मीठी मीठी लगते हैं। ये पौवा देखिए सब्जी बना के फ्रिज में रख देंगे ताकि ख़राब नहीं होके, गर्मी से पक जाते हैं, इसलिए ही सब्जी अभी चलते हैं टपक बनाते हैं कट करके। कटहर मेरे बहुत पसंद आते हैं, कटहर की सब्जी किसके किसके आते हैं भाई, सब लोग तुम्हें बताइएगा, ब्लॉग में बनी रहेगा पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छी लगेगा इसका आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मौसम भी ठंडी हो गई, तीन दिन इतना गर्मी हो गई, रात में बहुत परेशान कर रही थी, आज बादल है, अभी कपड़े रखिए है गर्म का सारा नहीं है, पहले सब्जी बना लेते हैं तो उसके बाद में चलिए गाइस अब देखते हैं कट कर लिए हैं। चलते हैं गाइस देखिए कटहर के हम कट कर लिए हैं और साग के भी हम कट कर लिए हैं, तो चलते हैं अब हम किचन में, आप लोग बनी रहिएगा। चुके हैं और हम इसमें पानी, पहले हम कटहर के उबाल लेते हैं, आज तो धूप हेबे नहीं करे तो कने केरी सुखाइब को ना, केरी पापा बोले थे सुखाने के लिए, अरे पक जाएगी फ्रिज में, फिर रखी रखी बोल रहे का की कट्टी है ना। क
कटहर में नींबू लगाते हैं गाइस, तो दो पानी से धो देते हैं, कट करते हैं ना, तो इसलिए इसमें नींबू के अथी रह जाते हैं। जल्दी जल्दी धो ले, 1 बज गए, कब खाना खाएगी? 1 बज गए। तो देख सकते हैं गैस, हम अब गैस चला देते हैं। चलिए इसमें पानी एक गड्डी डाल देते हैं। इसमें नमक 1 चम्मच डाल देते हैं। नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्दी डाल दी, और इसके हम देख सकते हैं गैस, तेल इसमें डाल दिए हैं। इधर देखिए हमारे कटहर उबल गई हैं, और इसमें हम तड़के के लिए थोड़ा सा मेथी ले रहे हैं। देखिए इसमें मेथी के तड़के हम डाल दिए हैं, और ये हरी मिर्ची और प्याज। इसमें रसून थोड़ा सा डाल दिए हैं गैस कुक के, इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिए हैं गैस, ताकि प्याज भी अच्छी तरीके से गल जाए। इसमें हल्दी पाउडर, इसमें मिर्चाई पाउडर, इसमें धनिया, काली मिर्च। चलिए सारा मसाला डाल दिए हैं, और इसको हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। और 1 टमाटर ले लिए, सकते हैं गाइस बारिश के मौसम हो गई है, बाहर के नज़ारा आप लोग के दिखा रहे हैं। घर में इतना पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, भगवान आ जाए बारिश तो नहाएंगी, ठंडी ठंडी पानी में।
मशीन लगा रखे हैं कपड़े धोने वाला, तो इसलिए पूरे दिन के ब्लॉक है आज। आप क्यों नहीं जा रहे हो? कहाँ? अरे गर्मी लगते हैं एसी वाला बस में, मेरी तबीयत खराब हो जाते हैं। अब पापा बोल रहे हैं एसी वाला में चलो, हम बोले आप जाइए चंडीगढ़ घूम के आओ। ना तो मैं नहीं जाऊंगी, जब जाएगी पापा जा तो दोनों घूम के आ जा। तो देख सकते हैं गाइस हमारा मसाला भुजा गई है, अब इसमें हम कटहर डाल रहे हैं। रोटी के साथ बनेंगे ये सब्जी, तो इसलिए सूखे बना के हम फ्रिज में रखेंगे। कटहर जब पक जाते हैं तो सब्जी टेस्टी नहीं बनते हैं, इसलिए सब्जी बना के रख देंगे फ्रिज में। अभी पकने के सीजन है इसका, जल्दी पक जाते हैं और गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो इस वजह से पक जाते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला का है, तो देख सकते हैं गाइस हमारा सब्जी बनकर रेडी हो गई है कटहर के। अब चलते हैं हम इसमें थोड़ी सी गरम मसाला डाल देते हैं, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे गर्मी है। गई थी तो 10 बज गई, वहीं पे मंडी में काम ये पड़ी थरथर में, और सब्जियों भी बहुत महंगा था इसलिए। चलिए गैस सब बन गई हमारा सब्जी, और हम गैस पे बंद कर देते हैं, फिर इसी में बनाते हैं साग छोंकेंगे। इसमें तेल डाल दिए हैं और चोरिया साग छोंकेंगे। तो इसमें देखिए हम लाल मिर्ची कट कर लिए हैं और हमारा तेल गरम हो गई है, तो इसमें पहले हम लाल मिर्ची डाल दिए हैं। इसमें हरी मिर्ची प्याज, इसमें थोड़ा सरसों डाल देते हैं। पापा बोल रहे कपड़े ही काट ले। देख सकते हैं गैस, देखिए हमारा साग उबल गई है और इसके हम छौंक लगाएंगे, तो हमारा उधर प्याज मिर्चाई लाल मिर्ची सब भुजा रहे हैं, तब इसके हम थोड़ा सा कुछ देते हैं
देख सकते हैं दाल चावल इसमें साग डाल रही हूँ। नमक इसलिए नहीं डाला था गाइस, तो ही कम पड़ ज़्यादा पड़ जाएगी, इसलिए अब भी डाल रहे हैं आधा चम्मच। क्या है कि झटके लगते हैं फूल पर बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उबाल के छोंक लगाने के लिए डाल दिए हैं। साग बन के रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं पकौड़ी बनाने के लिए। अब इसके हम गैस बंद कर देते हैं। लो तो देख सकते हैं गैस, इसमें हल्दी नमक मिर्चाई थोड़ा छोटा ग्लास दो इससे। प्याज हरी मिर्ची चलते हैं इसके मिला के पकौड़ी बनाते हैं। सकते हैं गैस मिला लिए हैं बेसन हरी मिर्ची प्याज और देखिए तेल गरम हो गई है, रिफाइंड तेल है। देख सकते हैं गाइस पकौड़ी देखिए बन के रेडी हो गई है। हैं गाइस चावल ले लिए हैं, चावल बनाएंगे। इसमें तेल डाल दिए रिफाइंड। इधर हमारा पकौड़ी बन के रेडी हो गई है, अब हम गैस के बंद कर देते हैं। शीरा डाल रहे हैं,
देख सकते हैं गाइस, एक चम्मच नमक डाल दिए हैं। और देखिए हमारा पकौड़ी बन के रेडी हो गई है। इसमें कटहर की सब्जी है और देख सकते हैं गाइस ये साग है। तो हमारा बन के रेडी हो गई है और हमारा चावल इधर बन रहे हैं गाइस। तो अब चलते हैं, थोड़ा देर हम पंखा था, काफ़ी देरी हो गई। अब गैस से गर्मी लग रहे हैं किचन में, तो हम थोड़ी देर बैठेंगे हवा में। अब चलते हैं, सबके ढकते हैं। तो चलते हैं गाइस, हम टेस्ट करते हैं नमक मिर्चा कैसा लग रहे हैं। देख सकते हैं गाइस, हमारा चावल बन के रेडी हो गई है। और देखिए बना सुना के रसोई हमारा साफ हो गई है, शाम के भी खाना बन गई है। एक दो फुलके बनाएंगे शाम के, सब्जी उब्जी बन गई है कटहर के और पकौड़ी भी बन गई। तो गए सब बंद कर देते हैं चावल वाले। हमारा काम सारा हो गई है, अब चलते हैं हम थोड़ा देर पंखे में बैठेंगे। 3 बज गई है, रसोई में बनाते बनाते और आइए आप लोग पकौड़ी खा लीजिए। चोरिया साग के पकौड़ी बनाई बना है, आप लोग भी बना के घर पे टेस्ट करिए। बहुत अच्छे लगते हैं, धीमी धीमी आँच में पकाइए और बहुत मस्त लगता है। एक बार आप लोग भी बना के घर पे खाइए, चोरिया साग के मस्त बनते हैं पकौड़ी। तो चलते हैं खा के मिलते हैं। इस चावल और चोरिया के साग है, कटहर की सब्जी है और चोरिया के पकौड़ी है। तो आप लोग भी आइए खा लीजिएगा। गाइस खाना खा लिए, देखिए खाना खा रहे हैं, दोपहर के खाना है। चलते हैं खाना खा के मिलते हैं। आइए गाइस खाना खा लीजिए। और हम दाल नहीं लिए हैं, दाल है बनी लेकिन दाल नहीं लिए हैं। कटहर की सब्जी है, चोरिया साग है और पकौड़ी है। चोरिए के पकौड़ी बनाई हैं, बहुत मस्त लगते हैं, आप लोग भी आइए खा लीजिएगा। मिलते हैं खाना खाते हैं। हम नाश्ता कर लिए हैं और हमारा ब्लॉग अच्छी लगेगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं आपसे मिलकर बाय बाय।